देगी 25/12/2004 और चौथे प्रश्न के मध्यांश में बात कर रही थी। बाप दादा खुश है कि बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है, उस डायमंड हॉल को सफल कर रहे हैं। कौन कौन से हाल बनवाए, डायमंड हाल बनवाया, माउंट आबू में कौन कौन से हाल बने, शांति धाम, सर्व धाम, ज्ञान सरोवर, तलैटी में, तलैटी में डायमंड हाल। तो बाबा के हाल हद के होते हैं कि बेहद के होते हैं? बाबा के तो बेहद के हाल होते हैं। ऐसे थोड़ी कि 91-92 में कोई ईंटों का ज्ञान सरोवर बनवाया, तो सारी एडवांस पार्टी की बातें है जो बेहद में लागू होती है। 91-92-93 में सच्ची गीता खंड 1, सच्ची गीता खंड 2, सच्ची गीता खंड 3 तैयार हुए और तलैटी में कहते हैं डायमंड हॉल बनवाया। डायमंड माने क्या है? तो एक हीरे के हाल, एक हीरे के लिए हाल बनवाया या कई एक हीरो के लिए हाल बनवाया होगा? कई हीरो, हाँ कई हीरो की बात होगी ना, हीरो की माला भी है। सबसे ज्यादा है कीमती रत्न होता है हीरा, हीरा माना हीरो पार्ट है। तो बाप दादा ने जो हीरो पाठशाहियों का हाल बनवाया है उसको बच्चे सफल कर रहे हैं, ये बाप दादा को खुशी है, इसलिए सफलता दो। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। इस वर्ष को 12 बजे के बाद पहला वरदान अपने को देना। कौन सा पहला वरदान? बाप दादा की तरफ से पहला वरदान है सफलता भव। आर्थिक वर्ष के लिए 2005 आपका एक एक संकल्प भी असफल न हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प, एक भी शुभ संकल्प विश्व कल्याण करने वाला है। इतना अमूल्य है आपका संकल्प, एक सेकंड भी विश्व कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। ऐसी कौन सी महानात्मा है जिनका एक सेकंड का संकल्प भी महान सफलता का आधार विश्व कल्याण के लिए बन सकता है? बहुत बिजी होने वाली आत्मा है क्या? बस ये चेक करो, जो सेकंड बीता, जो संकल्प चला, वो सारा सफल हुआ? तो सभी आज मेजॉरिटी पक्ष में बैठे हैं। पट्ट माना
मेजा जी आज पक्ष में बैठे हैं, वह पक्ष रानी है, यह कोच रानी है, कोच में बैठी वो कोच रानी है, कोच राणे है, कोच रानी है, कुर्सी राणे और कुर्सी रानी है, और आप पट रानी है, क्या बात हुई? अभी तो बता रहे थे कहां इतनी ऊंची बात, डायमंड हाल कहां, हीरो का हाल और कहां सुपर लाइट भी नसीब नहीं, कट पे स्थान मिल रहा है और कट पे स्थान लेने वालों का नाम रख दिया जैसे क्या कट, तो वो कोच राजा रानियां है, वो कोच राणा और कोच रानियां है, जो सोफा सेटों पर बैठती है, काफी बात हो रही है, जरूर डायमंड हाल में कोई कोच पर बैठे होंगे, कोई आलीशान कुर्सियों पर बैठे होंगे, कोई मसरत पर बैठे होंगे, तो उनको एक तरफ कर लिया, और बात किससे कर रहे हैं, जो पट पर बैठते हैं, पट पर सोते हैं, उन पट की बात पर सोने वालों के लिए नाम दिया पट रानिया, वो आप मजा है ना, पट में रहकर विश्व कल्याण की सेवा का काम करने में मजा है ना, थक तो नहीं गए हो पट पर बैठे बैठे, बातें थक गए हो, कुर्सी पर तो इतनी थकान नहीं होती, और कुर्सियां भी आजकल गद्दियों वाली होती है, फॉर्म वाली होती है, तो उन पर तो थकान होने की बात नहीं है, पूछा थक तो नहीं गए हैं, क्योंकि आज लंबा समय है ना, और 3 बजे से लेके जगह पकड़ लेते हैं, बाप दादा सब देखता रहता है, जो 3-4 बजे से हाल में आए हैं वो हाथ उठाओ, टीवी में देखो कितने हैं, सारे ही हाथ उठाए, कोई 3 बजे कोई 3-4 बजे आए, 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान है, जो 3 बजे से आके जगह घेर के बैठ गए उनको त्रिलोकीनाथ का वरदान है, भक्ति में तो बहुत किया है ना, तो साल में एक बार यहाँ भी कर लेते हैं अपने राज्य में, यह नहीं होगा कि पहले से जगह घेर के बैठना पड़े, 31/12/2004 की अग्रवाणी का पाठ, लेकिन वहां अपने राज्य में ना बाप आएगा और ना आप आएंगे, बैठेंगे कहां, अभी मजा ले लो, पट में नहीं बैठे हो, बाप दादा तो आपको दिल तख्त पर बैठा हुआ देख रहे हैं, क्या आज की कलयुगी जो ऑफिस होते हैं उनमें भी कहां बैठते हैं, आलीशान मेज होती है, कुर्सी होती है, सामने कंप्यूटर रखा होता है,
प्रिंटर रखा होता है तब काम करते हैं, और ये पटरारिया कहाँ काम करती है? पक में बैठकर। तो बोला वहां तो ना बाप आएगा ना आप आएंगे, बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो, पक्ष में नहीं बैठे हो, बाप दादा आपको कहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं, जिस शख्स पर बैठा हुआ देख रहे। लेकिन ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कि पटराने और पटरानियां कहां पड़े हुए हैं? पट में पड़े हुए हैं। सब हिंदू बनकर बैठे, हिंदू बनकर बैठने में ज्यादा जगह घेरी जाएगी या फूल शरीर के आकार से ज्यादा जगह घेरी जाती है? अगर छोटे बनकर के बैठेंगे तो जहां दिल बड़ा होता है तो जगह बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप उनकी स्थिति में छोटे होकर बैठ जाते हैं। तो पूछा सर्दी लग रही है तो पट पर बैठते हैं, सोफा सेट पर नहीं होते हैं तो सर्दी भी महसूस होती है, सर्दी भाग गई ना। अच्छा अभी एक एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, इसको याद करो बिंदु बाप। कन्नड़ मुरली में तो ये आया था ना, निराकार को याद करना है न साकार को याद करना है न आकार को याद करना है, और यहाँ कह दिया बिंदु बाप को याद करो, ये क्या बात है? बिंदु बनो और बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उन सब को बिंदु लगाओ। बिंदु बाप को याद करना माना बिंदु के स्टेज में टिकने वाले बाप को याद करो। बिंदु कैसा होता है? अति सूक्ष्म होता है। तो बिंदु लगाओ, लगा सकते हो, बस एक सेकंड में मैं बाबा का और बाबा मेरा। अच्छा सेवा का करना महाराष्ट्र वालों का गोल्डन चांस मिला है, हर जोन को गोल्डन चांस मिलता है। इन 15-20 दिनों में सच्चे ब्राह्मणों की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियां भर देते हैं, क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं तो सबके दिल से क्या निकलता है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये दुआएं पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। तो किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है, योग बल से तो होता ही है, लेकिन ये कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्मयोगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो जाएगा। ये सहज विधि है, महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र की संख्या भी महान है और सेंटर्स भी ज्यादा है, और गीता पाठ कर रहे हैं तो बेशुमार है। बाप दादा तो देखते हैं जो भी अपने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है।
खाओ पियो और प्रभु के गुण गाओ। सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये सब क्या है? प्रभु के गुण ही तो गाते हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो बाप दादा बांधा हुआ है किनको? इन्होंने अपने को इस दुनिया सेवा में समर्पित कर दिया। क्या मतलब? इसलिए सेवा में समर्पित नहीं है, दुनिया भी धंधे धोरी में लगे हुए हैं, बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, उनको रोटियां नहीं मिलती क्या है? उनको रोटियां तो क्या, उनको तो 36 प्रकार के भोग मिलते हैं। इसलिए ऐसे क्यों बोला कि बाप दादा बांधा हुआ है? आगे आने वाला जो समय है उसके लिए इशारा दिया कि जो ईश्वरीय सेवा में समर्पित है उनको दाल रोटी की कमी नहीं पड़ सकती। बाप दादा बांधा हुआ है, 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, ना खिलाएगा ना अभी खिला रहा है। वो तो कभी कभी खिला देगा तो बहुत अच्छा। चाहे शक्ति बन के भी सेवा कर रहे हैं, अगर शक्ति है सच्चे शक्ति, मतलब के शक्ति नहीं, सच्चे शक्ति है तो बाप दादा कभी भी भूखा नहीं रह सकता, दाल रोटी जरूर खिलाएगा, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? जब बाप दादा भूखा नहीं रहता है तभी भोग लगाते हैं। आप कभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते भक्तों की तरह कि एक गिट्टी भगवान को देवताओं को खिलाओ और बाकी सब खुद खा जाओ। अथवा भूल जाओ, नहीं, अगर शक्ति है तो भी बाप दादा बांधा हुआ है तो महाराष्ट्र जितने महान है उतने भारत भी महान है ना? अभी इस वर्ष में बाप दादा सभी जोन में कितने कितने वायरस पार्टी है वो लिस्ट मनाएंगे, मंगाएंगे सभी जोन से में। वायरस क्वालिटी कोई एक जोन से तो नहीं आएंगे, सभी जोन में जो जो वायरस क्वालिटी आत्माएं है उनकी लिस्ट मंगाएंगे और उन वायरसों की सेरेमनी करेंगे। क्या मतलब हुआ है? वायरस क्वालिटी हाँ, 108 जो विशेष है वायरस क्वालिटी के बच्चे हैं उनकी लिस्ट मंगाएंगे, माना माला तैयार होने की बात है। टीचर तो जानती है ना क्या कि वायरस क्वालिटी में कौन कौन आने वाले हैं? देखेंगे इसमें नंबर वन कौन सा जोन है, गाइड वायरस क्वालिटी लाने में नंबर वन जोन कौन सा है? महाराष्ट्र होगा ना? बहुत अच्छा।
पक्के मार्ग कार कौन है और कितने हैं? और इस वर्ष में ये जो मेगा प्रोग्राम किया है वो तो बहुत अच्छा किया, कितने प्रोग्राम्स हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं? कोई ने कहा 15-16 हुए हैं। बाप दादा ने देखा कोई कोई प्रोग्राम तो पूरे जॉन ने मिलकर के किया है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम एक सेंटर या आसपास के सेंटर के जो कनेक्शन वाले हैं उन्होंने ही मिलकर के किया है। वो कौन से हैं? किसी ने नाम बताए, बेंगलोर, संबलपुर, बिलासपुर, पूना, मेहसाना। तो इन्होंने कमाल की ना, वो आए हैं। कौन आए हैं? पूना वाले उठो, पूना की टीचर उठो, पूना ने भी कमाल की। ठीक है, सर्टिफिकेट अच्छा लिया, अच्छा। मेहसाना कर लिया है, मुबारक। बिलासपुर के भाई आए हैं उनको भी मुबारक। संबलपुर वाला कोई है, थोड़े थोड़े आए हैं उनको भी मुबारक है, हिम्मत रख करके किया और सफलता पाई, तो सफलता की मुबारक हो। अच्छा, यह तो हुआ, क्या क्या हुआ? मेगा प्रोग्राम की बात तो हुई, अभी बाप दादा क्या चाहते मन? ये जो मेगा प्रोग्राम किए ये बाप दादा के चाहने की बात नहीं थी। अच्छा, यह तो हुआ, क्या हुआ? मेगा प्रोग्राम हुआ, मना आगे नहीं होने है क्या है? क्योंकि सुना गया जयपुर में एरोप्लेन से बच्चे गिरा दिए एडवांस पार्टी ने, ईना में 50,000 बच्चे एडवांस पार्टी ने बंटवाए दिए। तो दीदी दादी आपस में मीटिंग करने लगी, अब मेगा प्रोग्राम करने से कोई फायदा है नहीं। तो बोला यह तो हुआ, माना मेगा प्रोग्राम तो हुआ, अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? माने बाप दादा मेगा प्रोग्राम से संतुष्ट नहीं है, कुछ और चाहते हैं। सभी वर्गों की सेवा तो हुई, लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं कि हर वर्ग ने जो भी आज से अंत तक सेवा की है, जैसे बाप दादा ने माइक बुलाए थे ना, तो नंबर वार माइक कभी पावरफुल नहीं, पावरफुल नहीं थे, थोड़े मीडियम थे। लेकिन अभी बाप दादा ये चाहते हैं कि इतना समय जो वर्ग की सेवा की उसमें आईपी या वीआईपी हर जोन से कितने निकले, वो आईपी और वीआईपी कहे कि नारिश को मैं मानता हूं। 31 दिसंबर 2004 की वाणी का छठा थी, सिर्फ यह महिमा नहीं करे, यह कार्य तो बहुत अच्छा है और कोई यह कार्य नहीं कर सकता, यह नहीं कहे, लेकिन नारिश को मानता हूं। ऐसे नारिश फुल ग्रुप बाप दादा देखना चाहते।
मेगा प्रोग्राम की सफलता नहीं देखना चाहते, क्या देखना चाहते? नॉलेजफुल ग्रुप देखना चाहते हैं। ये बात क्लियर हुआ? तो इस वर्ष में लास्ट करना आएगा ना, उसमें हर वर्ग वाले जो कहे आईपी हो वीआईपी, तो उनका तो भाग्य थोड़ा पीछे है, लेकिन आईपी जो नारी को मानता हो ऐसा ग्रुप आप दादा के सामने लाओ। क्या कहा? वीआईपी का भाग्य पीछे है, लेकिन आईपी जो नॉलेज को मानता हो ऐसा ग्रुप आप दादा के सामने लाओ, वह सेवा करे। नहीं तो ब्राह्मण की दुनिया में नॉलेज को विशेष महत्व देने वाले नहीं दिखाई देते। तो नॉलेज को मानने वाला ग्रुप सेवा करे, उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। क्या एडवांस पार्टी में तो ना आईपी है और ना वीआईपी, इसलिए छोटे लोग होने की वजह से कोई किसी की बात सुनता नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अभी बोला अब ऐसे आईपी ग्रुप्स निकालेंगे तो उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। सेवा कौन सी है? सेवा कौन सी बाबा दादा बता रहे हैं? नहीं, मनसा सेवा तो है, वो तो एक तरीका है मनसा सेवा का, बस प्रत्यक्ष दादा। तो बोला उन आईपी ग्रुप्स को सेवा के निमित्त बनाएंगे, ठीक है। अभी अगले वर्ष का ये होमवर्क है वर्ग वालों को, क्योंकि कोई न कोई वर्ग तो आता ही है। उन्होंने कहा ज्यूरिस्ट और कल्चरल विंग वाले आए। अच्छा, कल्चरल वाले जब कल्चरल दिखाते हो, कल्चरल प्रोग्राम दिखाते हो, तो उसमें और क्या सिद्ध करते हो? जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स करते हो उसमें आपके चलन और चेहरे और कर्म से क्या करैक्टर दिखाई देता है? यह श्रेष्ठ करैक्टर वाले ये दिखाई देता है। हाँ करो या ना, हाँ तो हाथ तो हिलाओ। अच्छा, दोनों नक्षत्र से, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम तो सभी करते हैं, लेकिन आप जो कल्चरल दिखाते हो या प्रोग्राम करते हो उसमें सिर्फ कल्चरल नहीं हो, लेकिन नैतिक मूल्य भी समाये हुए हो, करैक्टर हो, उससे क्या होगा? देखने वालों को सहजी आकर्षण होगी कि हम भी करैक्टर धारण करें। तो इस विधि से, क्योंकि कई ज्ञान सुनना नहीं चाहते, सीधा ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके कल्चरल से वह करैक्टर सीख जाए, तो ऐसा कर भी रहे हो और भी लक्ष्य रखो कि हम कम से कम देखने वाले जो है उनको नैतिक वैल्यू का इशारा तो मिले, आकर्षण तो हो। नैतिक मूल्य भी जरूरी है और फिर हमको करना है। बाकी अच्छा कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, बापा दादा हर वर्ग के पुरुषार्थ और रिजल्ट को देख करके खुश है।
और इस वर्गीकरण की सेवा के बाद कई भाई बहनों को चांस मिला है सेवा के क्षेत्र में आगे आने में, और भी बिजी रहते हैं। इसलिए बाप दादा को गुरुओं की सेवा अच्छी लगती है, सभी कर रहे हैं। कभी कोई वर्ग आता है, कभी कोई वर्ग आता है, तो सभी ठीक है, बहुत ठीक है या ठीक है? बहुत ठीक। तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है? कौन वर्गों की बात बताई, वर्गीकरण की सेवा, तो सभी तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है? इस बात के पुरुषार्थी भगवान के बारे में।
और सोचते सोचते तो कितने साल हो गए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार शिव है। लेकिन अभी तक दुनिया में कोई मानने वाला तो है नहीं और आवाज तो कुछ निकली नहीं, यहाँ तक कि समझाने वाले भी पीछे हट गए, उस पॉइंट को उठाते ही नहीं, उस पॉइंट का ही पता ठेक कर दिए। तो गीता के भगवान का भी सोच रहे हैं, सोचो इसमें कोई को निमित्त बनाना पड़ेगा। कोई जज हो, कोई धर्मात्मा हो, दोनों कुछ में से दो चार को तैयार करो, सेवा में मैदान में आना पड़ेगा, आपस में मीटिंग करो, सभी जज मिलकर के मीटिंग करके कोई प्लान सुने। इस बारे में गीता का भगवान कृष्ण उर्फ तारा लेकर आगे है या शिवशंकर भोलेनाथ है, तथा कथित तो भगत लोग तो कृष्ण को ही गीता का भगवान मानते और उनका ही चित्र सामने रखते हैं, और किसी को भगवान का रूप मानने के लिए तैयार है। और तुमको क्या सिद्ध करना है कि कृष्ण तो बच्चा बुद्धि था, जैसे छोटा बच्चा होता है बेसिक नॉलेज वाला, उसको कबीरदास के कवित्त धोए चौपाई सिखा दो तो रट लेगा, लेकिन उनके गुहयात को नहीं समझ सकता। तो जो कृष्ण बच्चा है वो गीता का भगवान कैसे बन जाएगा? हाँ, कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला जो गीता पति भगवान है वो महान हस्ती है, वो निराकारी स्टेज वाला होगा। जो साकारी स्टेज वाला होगा उसकी बुद्धि विस्तार वाली होगी, गहराई में जाने वाली होगी, या निराकारी बुद्धि वाला होगा उसकी बुद्धि विस्तार में जाने वाली और गहराई में जाने वाली होगी। जो निराकारी स्टेज वाला होगा जिसकी बुद्धि में बिंदु ही समाया हुआ होगा, मैं आत्मा बिंदु रूप, दूसरी आत्माओं को भी बिंदु रूप में देखने वाला, तो जो सदैव बिंदु को देखेगा, बिंदु का चिंतन करेगा, बुद्धि फूल बनेगी या सूक्ष्म बनेगी? सूक्ष्म बन जाती है। सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां टिक सकती है, सूक्ष्म बुद्धि ज्ञान के विस्तार में जाती है। तो गीता का भगवान साकार रूपधारी कृष्ण नहीं हो सकता, कृष्ण रूप दादा लेकर आगे नहीं हो सकता। इसलिए कहा कोई जज हो, कोई धर्मात्मा हो, दोनों ग्रुप में से दो चार को तैयार करो, सेवा में मैदान में आना पड़ेगा, आपस में मीटिंग करो, सभी जज मिलकर मीटिंग करके कोई प्लान सोचो, और रिलीजियस वाले हैं दोनों ही मिलकर के राय करो, फिर कुछ कर सकेंगे, हो जाएगा, होना तो है ही। मुबारक जो भी आए हैं उनों को भी विशेष मुबारक। अच्छा, डबल विदेशी बहुत आए,
डबल विदेशी तो शांति वन मधुबन का विशेष कंगाल। बाप दादा देखते हैं एक एक बच्चा विशेष डबल हीरो, रतन भी है और हीरो पार्ट बजाने वाली भी। क्या कहा, दोनों में अंतर कर दिया, रतन अलग और हीरो पार्ट जारी अलग। नवरत्न अष्टरत्न गाये हुए हैं ना, तो नवरत्नों की भी माला है और हीरो की भी, हीरो पार्ट धारी हीरो की भी माला है। तो एक एक बच्चा विशेष डबल हीरो है, रतन भी है और हीरो पार्ट बजाने वाले भी है। तो हर एक विदेशी डबल हीरो है। देखो कितने देशों में और वहां से भी तैयार होकर के वहां ही सेवा कर रहे हैं। सुनाया ना कितना देश के आए हुए हैं, उनसे कहा 45 देश। अच्छा 45 देश वाले हाथ उठाओ, जो जो भिन्न भिन्न देश से आए हैं उनमें से एक एक हाथ उठाओ और वहां ही सेवा कर रहे हैं। छोटा बच्चा भी हाथ मिलाएगा, मुबारक। सेहत की बात है, बाबा छोटा बच्चा किसे कहते हैं, जो अभी अभी ज्ञान में आया हो इस जन्म। लेकिन पूर्वजन्म का पुरुषार्थ लेकर के आया हो। छोटा बच्चा भी हाथ हिलाए रहा है, मुबारक हो। अच्छा बड़ा हाथ उठाओ 45 दिन वाले, 45 देश वालों को पद्म गुना मुबारक। छोटे बच्चों की रिपीट कर रही है, यह बच्चों का ग्रुप है, सभी देखो कितना अच्छा है, कितने देश के बच्चे हैं। उन्होंने कहा 15 देश के 28 बच्चे। गीत सुनाओ, बच्चों ने गीत गाया, मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा सभी बच्चे अमृत वेला करते हो, जो बच्चे अमृत वेला करते हैं वो हाथ उठाओ। यहाँ नए नए आए हुए कौन कौन बैठे, हाथ तो उठाओ। जो अभी 7 महीने के अंदर नए नए आए हैं, अच्छा तो बोला जो अमृत वेला करते हैं वो हाथ उठाओ। नया नया अच्छा अच्छा जो कभी कभी करते हैं वो हाथ उठाओ। रोज नहीं करते चलो कभी कभी करते हो वो हाथ उठाओ। तो रोज अमृत वेला करने वालों में बाबा को नहीं दिखाई पड़े, तो पूछा जो कभी कभी करते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा कभी कभी करने वाले ज्यादा है। अच्छा लड़ाई झगड़ा करते हो, जो लड़ाई नहीं करता है वो हाथ उठाओ। तो ठीक है अभी यहां से जाने के बाद लड़ाई नहीं करना, क्योंकि अभी ब्रह्मा कुमार हो ना, तो ब्रह्मा कुमार बाबा मेरा, मैं बाबा का कहा तो लड़ाई नहीं करना, नहीं तो फिर बाबा मेरा नहीं होगा। अभी लड़ाई करेंगे, अभी परिवर्तन करेंगे, अभी सारा टीचर से रिपोर्ट देना कि लड़ाई झगड़ा किया है या नहीं किया। बाकी मुबारक हो, अच्छा है,
फिर भी पुरुषार्थ अच्छा किया है, इसलिए पद्म गुना मुबारक हो। उन्हें कहा विदेश का रूप आया है, ये माई बाबा का साइन बोर्ड दिखाई रहे हैं, बहुत अच्छा है, ताली बजाओ। बाप दादा ने सुना तो रिजल्ट में यूथ ग्रुप ने पुरुषार्थ में बहुत गुह्यता लाई, तो ये पुरुषार्थ में जो सूक्ष्म में गए तो सदा पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं होना, आगे बढ़ते रहना और उड़ते रहना। मुबारक। दादी जानकी ने बाप दादा से पूछा, विश्व की करोड़ों आत्माओं को इस साल में मैसेज कैसे मिले? मेरा बाबा है ये अनुभव कैसे हो, उसके लिए क्या प्लान बनाए? उसके लिए कोई ग्रुप बनाओ, ऐसा कोई छोटा ग्रुप बनाओ जो मनन करे इस बात पर। बिल्कुल ज्ञान की बात है। ऐसा ग्रुप बनाओ जो इस बात पर मनन करे, क्योंकि विधियां तो सुनाई, हर एक को चाहे द्वारा, चाहे व्यक्ति वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिल में कितनी आत्माओं की सेवा, चाहे मनसा की, चाहे व्यक्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से सेवा की, चलन और चेहरे से सेवा की। हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा की रिजल्ट सारे दिन की क्या है। और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे और सेवा के बिना रह नहीं सके, उसको दुख देख करके सब खारू करेंगे, लेकिन स्वस्थिति और सेवा की स्थिति बैलेंस में रहे, तो सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है, सिर्फ सेवा करते हैं तो कहते हैं ये तो बोलने वाले। लेकिन ऐसा छोटा सा ग्रुप बनाओ जो ये पान का बीड़ा उठा ले कि हम स्वयं स्थिति और सेवा की विधियों से सेवा करेंगे। एक एग्जाम्पल हो वह ग्रुप, एक एग्जाम्पल हो, फिर वह जैसे कहते हैं ना एक दीपक से दीवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से वृद्धि होती जाती है। एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप बढ़ता जाएगा। अच्छा, क्या बोला था पहले अभी तुम्हारी? आपने 20 साल पहले की अगर तुम्हारे बोला था एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे संगठन को खींचते हुए 108 की माला का ग्रुप एक हो जाएगा। तो संगठन कहो या ग्रुप कहो, उसी का ऐसा रंग है। तो जैसे एक दीपक से दीवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से फिर अनेक ग्रुप की वृद्धि होती जाती है। सभी को वर्ष का होमवर्क तो याद है ना, जो बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष में क्या विदाई देनी है और कौन सी बधाई मनानी है, वो याद है ना? अभी बाप दादा भी देखेंगे एक मास की रिजल्ट में सिर्फ यहाँ यह लिखे कितनी परसेंटेज सेवा की, 40%, 80%, 20%, 10%, सिर्फ परसेंटेज लिखे, लंबा दौरा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वालों को।
लेकिन बैलेंस स्वास्थ्य और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता और प्रसन्नता का बैलेंस ठीक है। कब रिजल्ट लिखेंगे? 100% लिखना। मीठी दादी, योग युक्त दादी, लंबा लंबा नहीं लिखना। जो पत्र लिखते हैं तो दीदी दादियों की बड़े टाइटल लगा के लंबे चौड़े आधा पत्र उसी में बढ़े। बस परसेंटेज लिखो, जब टाइम नहीं होता है पढ़ने का फिर इनाम देंगे। सारे ब्राह्मण परिवार में जो नंबर बनाएंगे उनको बाप दादा इनाम देंगे। 31/12/2004 की अगर तुम्हारी का 8 एक मास की रिजल्ट, एक मास तो सीजन चलने वाली है ठीक है, पसंद है, समझ में आया? माताओं को समझ में आया और टीचर्स को समझ में आया? अच्छा, पीछे वालों को समझ में आया? वेद में पीछे वाले बाबा किसे कहते हैं? जो लास्ट में थे, जो लास्ट में आ रहे हैं अभी। अच्छा, हाथ उठाओ पीछे वाले। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्वनय युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने की उम्र उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना। ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी बच्चों को, विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक। क्या भर भर के मुबारक हो? भाई की थालियां लड्डू पेड़ों की 36 प्रकार के भोग की ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देने का सागर का गायन है ना। तो बोला दुआओं के साथ साथ पदमगुना थालियां भर भर के मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली क्या होती है? एक आपका बुद्ध रूपिया और बाबा का बुद्ध रूपिया। बाबा को हाथ होते हैं इसलिए एक ही हाथ रह गया, लेकिन बुद्ध रूपी हाथ तो बाबा का है, निराकारी स्टेज वाला तो है। तो बोला एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, अभी क्या करना है? दादी की तबीयत कैसी भी है लेकिन संभाल रही हो। क्या तबीयत भले खराब हो रही है लेकिन खराब होती तबीयत को भी संभाल रही हो? बहुत अच्छा, अच्छा संभाल रही हो। आपकी दादियों की यूनिटी और चेहरा और जनन उसको देख करके सभी की पालना हो रही। क्या कहा? अगर तबीयत को न संभाले तो क्या होगा? चेहरा बिगड़ जाएगा, चलन नीचे ऊपर हो जाएगी। तो देखने वाले जो उन्हें देख करके चल रहे हैं उनकी हालत खराब हो जाए। इसलिए बोला कि कैसी भी तबीयत हो लेकिन संभाल रही हो, बहुत अच्छा है। आप दादियों की यूनिटी और चेहरा और चलन देख करके सबकी पालना हो रही है। बाप
आपका तो पहले दिन से हाथ और साथ है, है ही। अच्छा जानकी दादी, विदेश ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब कि विदेश में कुछ गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ी है? दादी को क्या चिंता हो गई? जो पाप दादा वो पूछना पड़ी। जो चिंगारी एडवांस पार्टी की देश में लग रही है वो अब विदेश में भी चालू हो गई है। तो बाप दादा जानकी दादी से पूछते हैं, विदेश ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो समझती गड़बड़ी हो रही है। एडवांस ज्ञान फैलना कोई गड़बड़ी की बात है क्या? है? अच्छी बात है या गड़बड़ी की बात है? अच्छी बात है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो समझते ही पता नहीं है क्या होने जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा। राजस्थान की जो टीचर ताई है आप वो उठे, उनका तीन बहने आई है, त्रिमूर्ति आई है, सहज हो गया ना, सहज हुआ, हिम्मत बढ़ी। अभी तो नहीं कहेंगी बड़ा मुश्किल है, अभी 10 गुना कहना करना, 10 गुना करके दिखाना। राजस्थान 55, राजस्थान को 55 बनाना ही है, इसीलिए हिम्मत रख करके बढ़ते चलो। अभी आवाज फैलाना, आवाज फैलाया है। अभी जिन VIP की एड्रेसेस है उनको स्नेह मिलने में बुलाओ। अभी लोहा गर्म है, उसमें जो भी बनाने चाहो बन जाएगा। तो हरेक स्थान जो भी जयपुर में नजदीक है उसमें बुलाओ। और वैसे भी राजस्थान में बीच बीच में स्नेह मिलन रखो, ब्रह्मा भोजन खिलाओ, ब्राह्मणों का तो रखना ही है, लेकिन VIP का रखो। IT को खड़ा करो तो राजस्थान आगे आ जाएगा। वो तो वो हद का राजस्थान हुआ। बाप दादा हद की बात कर रहे होंगे या बेहद के राजस्थान वालों की बात कर रहे होंगे? बेहद का राजस्थान क्या होता है? तो बड़े बड़े राजाएं बनने वाले हैं, जन्म जन्मांतर में राजाएं बनते हैं ना, छोटे बड़े, उनमें जो बड़े बड़े राजाएं बनने वाले हैं, जन्म जन्मांतर राजाएं बनने वाले हैं, उन राजाओं का स्थान माने राजस्थान। को खड़ा करो तो राजस्थान आगे आ जाएगा। बाकी अच्छा कर लिया, मुबारक, सहज हो गया, दादियों को मुबारक, अच्छा किया। ऐसे ही मिलकर के करना, इस साल में 2-3 प्रोग्राम करो, कभी यह करे कभी यह करे। अच्छा निर्मल शांता दादी, आपकी शक्ल सुहानी लग रही है। कलकत्ता की निर्मल दादी बीमार नहीं लग रही है। उन्होंने कहा बीमार थोड़ी सी हूं, अच्छा है, बहुत अच्छा, रुकमणी बहन यह भी बहुत अच्छी मेहनत करती है, थक तो नहीं गई, बहुत अच्छी दिल से सेवा की, उसकी मुबारक। रात्रि 12 बजे के पश्चात बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 2005 की बधाइयां दी।
चारों ओर के सभी शिकिल दे लाले तख्त नशीन सुराज अधिकारी बच्चों को नए वर्ष और नवयुग की बधाइयां। सदा ही इस वर्ष सबको बधाइयां देनी है और बधाइयां लेनी, इसी लक्ष्य से लक्ष्य धारण कर उड़ते रहना और उड़ाते रहना। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक। ये मद्रास से कितनी दूर है? 300 किलोमीटर। नहीं मद्रास से कितनी दूर? मद्रास के मद्रास के अंदर है ना? हाँ मद्रास तमिलनाडु के अंदर। उसका नाम है नागपट्टनम। नाम देखे नाम देखे कहाँ देखे? एक तो नाग के ऊपर है कृष्ण जी डांस करते हैं और दूसरे नाग जो है वो शंकर जी के गांव में चारों तरफ दिखाई जाते हैं। है? चारों तरफ बाहों में गले में सर के ऊपर कमर में। तो नागों की विशेषता क्या है? नाग किस लिए दिखाए जाते हैं? सागर मंथन होता है तो बाहर भी नाग दिखाया है। कौन सा? वासुकी नाग। तो मुझे काला हार से निकलता है। एक तरफ देवताएं खींचते हैं और दूसरे पूछ की वो मुंह की तरफ राक्षस खींचते हैं। तो सांप किस लिए दिखाया जाता है? सांप तो इस बात की निशानी है, विषय विकारों की निशानी। तो ज्यादा विषय विकारी होते हैं ना वो मध्य में रास करते हैं। मधमान मधमान सिर नहीं, मधमान है कीचड़। जैसे भैंसा लौटता है कीचड़ में। सुअर देखा कभी? सुअर कहाँ लौटता है? कीचड़ में लौटता है। ऐसे जो कीचड़ में लौटने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है ना उनकी बुद्धि में से ज्ञान सारा निकल जाता है। और जिसकी बुद्धि में से ज्ञान सारा निकल जाएगा तो नित्य बुद्धि बनेगा या अनित्य बुद्धि बनेगा? अनित्य बुद्धि बनेगा। तो ऐसे ऐसे मद्रासी जो है ना नागपट्टनम वाले सब मर गए। अभी छटनी होनी है। आया समझ में? नहीं आया? और वेद के चार भी बच्चे हैं। 4 बजे कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण के जन्म में बाप का भी जन्म समाया हुआ है क्योंकि बाप अकेला तो प्रत्यक्ष होता नहीं। बाप अकेला प्रत्यक्ष होता है या बच्चे को आगे करता है? बच्चों को आगे करता है। तो कृष्ण कन्हैया वो आगे किए बगैर प्रत्यक्ष किए बगैर तो बाप प्रत्यक्ष होगा नहीं। कृष्ण का जन्म 4 बजे तो बाप का जन्म 6 बजे होना चाहिए। 4 बजे होता है तो जन्म होना माने प्रत्यक्षता। उसकी जन्म होने से पहले जो पुरुषार्थ करेंगे वो फायदे में रहेंगे या बाद में जो पुरुषार्थ करेंगे वो फायदे में रहेंगे? कौन पुरुषार्थ में फायदे में रहेंगे? तो 3 बजे वाले फायदे में रहेंगे या 4 बजे वाले? तो अव्यक्तवाणी में 3 बजे के लिए विशेषता बताई या 2 बजे 4 बजे वालों के लिए? 3 बजे बाबा जो है वो समुद्र के अंदर भूकंप हुआ है। सागर के अंदर सब कुछ होता है। और सागर के अंदर भूकंप होता है तभी सागर तो बीज है ना। सागर बीज है ना, जब बीज हिलेगा तो सारा सारा झाड़ हिलेगा कि नहीं? बीज जब तरने हिलेगी तो बीज भी हिलेगा।
बीज गिरने वाला नहीं है। धरणी कौन है? कन्या माता है तो है, किया कौन? जगदम्बा, जगदम्बा हिलेगी, जगदम्बा माने प्रकृति। अभी तो बोल दिया ना इसी वाली में, तो बोला है आदित्य वाली में, क्या बोला है? अभी प्रकृति भी छक गई है, कर्म हो गई है, माया भी समझ गई है, हमारा राज्य अब खत्म होने वाला है। माया और प्रकृति, माया के पांच रूप और प्रकृति के पांच रूप। माया के पांच रूप कौन कौन से? काम दो लोग वो अहंकार और प्रकृति के पांच रूप है, प्रकृति जलवायु आकाश। ये दस रूप मिलकर के दस रावण के सिर बनते हैं। क्या ये दस रावण के सिर है? ये दस रावण के सिर जब पूरे कंट्रोल में आ जाए, खलास हो जाए, तब कहा जाएगा प्रकृति पति और माया पति। है उससे पहले कहा जाएगा प्रकृति पति और माया पति का प्रत्यक्ष होगा जब इन दस सिरों के ऊपर कंट्रोल करें। क्या सीखा? बाबे के अंदर जो सुनामी रह रहे उसी उससे सभागी मंदिर। यही तो बड़ी नामी है, नामी ग्रामी है, और माया और प्रकृति, यानी कि जो लहरें उठ रही है ना अभी, बहुत नामी ग्रामी है, सुनामी। माया की लहरें खराब हो जाए, माया की लहरें भी खराब हो जाए, और जो प्रकृति काम से रूप धारण करने वाली है उसकी लहरें भी खराब हो जाए। क्योंकि जब तक प्रकृति के ऊपर विजय नहीं बने हैं, तब तक विश्व विजयी नहीं कहे जा सकते। प्रकृति के ऊपर भी पूरा कंट्रोल हो जाए। माया ज्यादा पावर बोला है या प्रकृति ज्यादा पावर बोले? ज्यादा पावरफुल दोनों में कौन है? एक पहली रचना है, उसकी पहली रचना है प्रकृति, माया तो बेटी है। पहले माँ होती है कि पहले बेटी होती है? पहले माँ होती है, माँ है प्रकृति माता। सात्विक रूप है तो गीता माता, तामसिक रूप है तो प्रकृति, सत्युग में भी प्रकृति होती है, सात्विक रूप वाली होती है, सब कुछ मुहैया कराती है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। कली के अंत में प्रकृति तामसी हो जाती है, जब तामसी हो जाती है तो भारत बैगर हो जाता है, रोडपति। क्या रोड पर मारे मारे फिरो? बंगलौर वाले क्या भाग जा करके नई नई बातें निकाल रहे हैं। भक्ति मार्ग में किसी ने भांग खाने के बाद अनुभव किया कैसा लगता है? है? कोई ना अनुभव नहीं किया? क्या अनुभव किया? भांग खाने के बाद अगर बुद्धि जिसकी चलने लग पड़े तो बहुत तेजी से दुखी करती है। का भी नाम पड़ गया बंगलो, बंगला हो अभी नहीं पेट भरा। नहीं है, माता है, नई नई बातें निकाल रही है। भाई लोग क्या सब हो गए क्या उधर? सब परम नाम बात हो गई।
कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों से योग युक्त होकर भी जो कर्म किए जाएंगे वो ज्ञान से भरे तो भी कर्म नहीं है, इसलिए कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई जाती, ज्ञानेंद्रियां दिखाई देती। आगे के लिए सेवा का प्रोग्राम क्या है? कोई स्पेशल प्रोग्राम निकालना है क्या? है प्रोग्राम तो बात दादा ने बता दिया। हिंदी कोई जानते हैं? उसका पल्ला अनुवाद कर दो, दो चार चुनियों का बाद में जो कहते हैं और कोई थोड़ी हल्की आवाज में बाबा जैसे आवाज से बोलते हैं उसके मुकाबले हल्की या उससे ज्यादा तेज आवाज में या पैरेलल आवाज में कोई लगातार बोलता रहे, तेलुगु वाले हैं या तमिल वाले हैं या कन्नड़ वाले हैं वो ज्यादा समझे, हिंदी वाले को उतना ध्यान नहीं देखा। तो अनुवाद करने से एक फायदा है कि हिंदी भी सीखेंगे, अगर पहले हिंदी में बोले और बाद में कैसे कन्नड़ में बोले तो अनुवाद भी सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे। तो ढेर सारे शंकराचार्य है ब्राह्मण दुनिया में नहीं है कार्य की भ्रष्टाचारी है अंदर की दुनिया में बाहर की दुनिया में। आगे करके बाबा मोहन ने बोला किसी की छुट्टी हुई नहीं जाएगी, परफेक्ट हो जाने की सात धर्मों में ऐसे होगा, ऐसे होते होते तभी तो ये होगा कि न मंदिर रहेंगे न मस्जिद रहेंगे न गिरजाघर रहेंगे न गुरुद्वारे रहेंगे, साथ चलने लग पड़ेंगे सब एक बात है। बाबा हमें तुम्हारी जो बोल दिया है मिलन था तो उनको उनको अंदर से भय पैदा हो गया कि आप तो ये हेड ऑफिस में भी आने लगे, तो वो सर्विस ये इस तरह की सर्विस करने की दरकार नहीं है क्योंकि बाबा ने बोला उनके सारे जिज्ञासु तोड़ दोगे तो बड़े बड़े धर्मगुरु अपने आप नाम लटका ले, हड़कम फैलाने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव सर्विस हो गई पॉजिटिव सर्विस है, एक एक आत्मा को बैठ करके उनके अच्छे अच्छे जिज्ञासु को तोड़ के जाओ सारे उनके जिज्ञासु टूट जाएंगे अपने आप झुकेंगे। उन्होंने मना कर दिया बात नहीं करेंगे पुलिस के पास गए, पुलिस ने उनको बुलाया। हाँ हाँ
जैसे गया सर्विस करते हैं बड़ोड़ा का पार्टी गया उसके साथ ये उनके साथ ये दोनों गए वो सर्विस करने के लिए गया कोई वो भी नाम है आए तो जाओगे तो पकड़ के पीटेंगे नहीं जब खाता खोल के जो क्लास कर रहा है उनको ऊपर चढ़ के खिला रहा है साइड में अरे उनका अपना सभा लग रही है उनका गुमनाम हो रहा है उसको जाके बंद डाल लो उनको कोई ताकत नहीं रहता है सूक्ष्म शरीर से रहते हैं उनको कोई ताकत नहीं रहती नहीं मारा बगैर से कुछ हर कम फैलाने की ताकत होती है बाद में महाराष्ट्र पार्टी के साथ क्या हुआ है क्या करते मिल करके बातें करते हैं सुना करते वापस आ गए दादी से दादी से मिले सुनाया सुना दादा अभी हाँ हाँ ठीक है अच्छा है अच्छा है अच्छा है और वो अच्छा अच्छा करके घोष करके दादी को उनसे लिखवा लेते कि अच्छा है तो लिखो उनसे कहते हैं हमें यहाँ परमिशन दो ये सारी बातें सुनाने की तो कुछ नहीं किया मंगलोर पार्टी मिलकर के गाँव का बुझाएगी जो मुरली में बात बोली है सो नहीं बुद्धि में आती है अपनी मन बात आती है बुद्धि में मुरली में ये बोला उनके सारी विज्ञानियों को एक अच्छे तोड़ लो वो अपने आप नाक लटका रहे आश्रम के आगे है? आपका आश्रम खोल दो इस बात को तो कोई भी सुनेगा तो खराब ही जाएगा ना क्योंकि तो अपना संगठन चल रहा है उस संगठन के आके रंग में भंग करना जयपुर वालों ने भी ऐसे किया हाँ जयपुर में रखा था ब्रह्मा भोज ब्रह्मकुमारी बहनों ने वहाँ कुछ भाई बहने जाकर के एडवांस में पहुँच गए और वहाँ जाकर के तो खाना खाया जाके अंदर घुस करके और फिर बाद में जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों आपको तो नहीं बुलाया गया था तो फिर वहाँ सबके सामने खड़े होकर बोलने लगे जब फिर पिटाई हुई मानव सेना है जय राधा बड़े बड़े मार्ग पर तुम्हें सुनाओ जो सुनना चाहते हो जो अभी तक करते आए वही करना हो क्या करना बड़ा प्रोग्राम हो तो उसमें बातचीत बात सकते हैं जब पब्लिक निकल के बाहर जाने लगे तो उस समय बातचीत बात कोई खराब काम नहीं अब ये थोड़ी उनका रंगमंच और प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ जाकर तुम दाड़ने लगो चिल्लाने लगो हाँ शूटिंग का ही चक्कर पूरा होता है जब तक बड़ा ड्रामा शुरू ना हो जाए है एक शूटिंग पूरी होती है दोबारा शूटिंग फिर शुरू हो जाती है फिर दोबारा शूटिंग शुरू हो जब तक फाइनल ना हो तब तक रिहर्सल और शूटिंग कहीं खत्म होती है अरे वो बम्बई में शूटिंग करने वालों से पूछो कि जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक क्या शूटिंग खत्म कर देते हैं रिफाइन करते रहते हैं एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा चौथा यही रिहर्सल हो रही नाइजीरिया में
दिसंबर की उसमें ये क्लियर कर दिया गया है। बाबा ने बोल दिया कि
बाप दादा ने सौगात दे दी है स्वर्ण संगम की, नई दुनिया की नई वर्ल्ड की सौगात बच्चों को दे दी है। उस वर्ल्ड में बच्चे जाना आना कर रहे हैं, अब इस वर्ण पड़ी नहीं। ये जैसे बाप दादा एक्सप्लेन न करे जैसे सबको ग्रेड देता है बार, ऐसा बोला मैया भाई। क्या बोला? सबको ग्रेड देता है, आते आते हैं, आते हैं, आते हैं। हाँ, तो वाले तो बाप दादा नहीं मना कर दिया, मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता, किसी का कागज या बोर्ड पर देख लिख करके नहीं बता सकता, तो कोई व्यक्ति कैसे बता सकता है? अगर कुछ प्रकट होना होगा तो आपके कहना, अपने चेहरे से, अपनी गलती, अपनी बच्ची से बता ही प्रकट होगा, दूसरे लोग मानेंगे तो ऐसे कहने से कोई नहीं मानेगा। बाप ने क्या कहा बैठ करके कि मैं मेरा ये पार्ट है, मेरा वो पार्ट है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? नहीं पता चलना चाहिए ना, आने के बाद जो पहले रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक है। हाँ जी, नहीं पता क्यों? रास्ता जो है रास्ता रास्ता अलग अलग है, एक है रास्ता जो है और रास्ता रास्ता आज अरे अभी अभी तो क्लियर किया है, जीरो पार्ट सारी है वो हीरा है और रतन तो नौ तरह के होते हैं, एक से एक वैल्यूबल होते हैं। हीरा सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है, पन्ना होता है, मुर्वा होता है, मोती वो माणिक्य होता है, ये एक दूसरे से कम ज्यादा वैल्यूबल होते हैं ना, वो रतन कहे जाते हैं। क्या अलग अलग धर्मों की मुखिया है ना, वो रतन है और ये आत्मदेव है, चित्रदेव जी ने कहा जाता है, ये हीरो पार्टधारी है, वो अपने अपने ग्रुप के हीरो है। हाँ जी, हाँ जी, सारे स्टूडेंट जी अष्टदेव माने देवता धर्म, देवता धर्म माने स्टूडेंट जी है, चंद्र जी को पक्का देवता थोड़ी कहते हैं। उसका सिर पर हाथ रख रही है, उसका कुछ भी बीमारी नहीं रहेगा, होती जाएगी उनको, बजरंग दल सभी अपोज कर रहा है उनको, नहीं आना करके मना कर रहा है बजरंग दल सभी। क्यों मना कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर शक्ति आई है तो आप समझाइए, शक्ति करो, मना क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट को सपोर्ट है, गवर्नमेंट को सपोर्ट है, हाँ वो करेंगे, उन्हें वोट मिलते हैं। बाबा छुपा रुस्तम बाद में बोले, रुस्तम कितना बाबा एक ही है छुपा रुस्तम बाद में बोले, बाकी में एक वचन है या तो बहु वचन, छुपा रुस्तम या छुपे रुस्तम, अगर छुपे रुस्तम है तो बहुत है और छुपा रुस्तम है तो एक ही है। बच्चों को प्रोटेक्ट, बाप पहले बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा या खुद प्रोटेक्ट होगा? पहले पहले बच्चे प्रोटेक्ट होते हैं, बाद में बाप प्रोटेक्ट होगा। ज्यादा पावरफुल कौन है बच्चों में? बच्चों और बाप के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन है? बाप। तो अपना काम पहले पूरा कौन करेगा? है बाप का काम है बच्चों को प्रोटेक्ट करना और बच्चों का काम है बाप को प्रोटेक्ट करना, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? तो प्रोटेक्ट का काम पहले कौन करेगा? किसको प्रोटेक्ट करेगा? खत्म बात हो गई, हाँ जी सारा स्टाफ खत्म हो गया।
जो बड़े बड़े यादगार हैं सभी उत्तर भारत की तरफ लेकिन सोने का मैदान जो है दक्षिण कर्नाटक की तरफ सोने का जो है जो गोल्ड ब्रिज था ना बाबा वो तो दक्षिण में था ना उससे उसका सच्चाई दक्षिण भारत वालों में ज्यादा होगी जैसे बाबा कहते हैं विदेशी जो है वो अपना सच्चा पोता ले लेते हैं भारतवासी उसका सच्चा पोता ले लेंगे सच्चाई कोई सोना कहा जाते सच्चे दिल पर साहब लागी होता है बोला बोल दक्षिण भारत में क्या बोला है और पूरा विश्व में निकाल का ब्रिज कोई नहीं है हैं और वर्ल्ड पूरा विश्व में निकाल का ब्रिज कोई हाँ कहाँ दिया इसको मिलते हैं कहाँ दिया और डबल विदेश ही कहाँ से आ रहे हैं भारत देश से आ रहे हैं कि विदेश से आ रहे हैं